जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड के रिको एरिया स्थित शहर द्वितीय कार्यालय में गुरुवार देर रात को नशे में जेईएन ने साथियों के साथ मिलकर रात्रि ड्यूटी पर तैनात हेल्पर के साथ मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। वहीं हेल्पर का इलाज राजकीय चिकित्सालय में चल रहा है। हेल्पर ने जेईएन और अन्य के खिलाफ सदर थाने में मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। सदर थाने में दूसरे पक्ष ने भी मामला दर्ज करवाया है। बाड़मेर के एक डिस्कॉम कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात हेल्पर के साथ जेईएन और उसके साथियों द्वारा मारपीट कर कुकर्म करने का प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना 24 जून रात्रि की है। मारपीट की इस घटना के बाद घायल हेल्पर का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पीड़ित हेल्पर ने जेईएन रामकेश मीणा, देशराज मीणा और मुकेश के खिलाफ शराब के नशे में मारपीट कर कुकर्म का प्रयास करने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी ओर जेईएन रामकेश मीणा ने हेल्पर पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाते हुए SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। सदर थाना के सब इंस्पेक्टर जाकिर अली ने बताया कि डिस्कॉम के एक हेल्पर ने जेईएन रामकेश मीणा, देशराज मीणा और मुकेश पर शराब के नशे में मारपीट कर कुकर्म का प्रयास करने का सनसनीखेज मामला दर्ज करवाया है। वहीं जेईएन ने हेल्पर के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने हेल्पर का मेडिकल मुआवजा करवा दिया है और आमने सामने के क्रॉस मामले दर्ज कर दिए हैं। दोनों ही मामलों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये से आ रहे थे, मैंने आवाज दी, भाई कौन है मोटरसाइकिल ले जा रहे? तो मोटरसाइकिल हमारी है तो मैं ले जाओ। उसने रेस तेज करके मेरे ऊपर डाल दी, सड़क छोड़ के सामने आया तो मेरे ये हैंडल लगे, ये देखो ये फट गया मेरा मुआ सारा ही। उसने किए देश रात पीछे सड़ा हुआ था मेरे, उसने धक्का दिया जबरदस्त मेरे लागी, बाद में मेरे को हाथ पकड़ लिया देश रात को, जहीन आया मेरे लपड़ा मारी, लपड़ मार के घसीटिया, कपड़े फाड़े। बाद में देश रात ने कहा कि इसको अंदर ले लो, इसके दुर्कम करेंगे साले, इसको मारेंगे, ये हर रोज रात भर क्यों बैठता है? तो मैं क्या मेरे गोरमेंट तनखा दे बैठूंगी? जो रामकेश के साथ और कर्मचारी जब आए थे और मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की और मेरे मारपीट करके गाड़ी बनी थी और मेरे साथ जो करने का प्रयास किया था जिसका उसका प्रकरण हमने दर्ज कर दिया है। और उसके बाद में दूसरे पक्ष द्वारा भी रिपोर्ट दी गई थी, जो भी प्रकरण SC ST में दर्ज किया गया है, दोनों प्रकरण श्रीमान शिव साहब को अग्रिम अनुसंधान के लिए भेजे गए हैं, वहाँ उनके द्वारा अनुसंधान किया जाएगा। पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में घायल हेल्पर ने बताया कि गुरुवार रात को वह कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान शराब के नशे में धुत होकर आए जेईएन रामकेश मीणा, देशराज मीणा, मुकेश ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए कार्यालय की चाबी मांगी। जब उसने चाबी देने से इनकार किया तीनों ने मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की और आरोपियों ने उसे घसीट कर कुकर्म करने का प्रयास भी किया। हेल्पर द्वारा जेईएन और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज करवाने के 2 घंटे बाद जेईएन ने हेल्पर के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने दोनों तरफ से मिली रिपोर्टों के आधार पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हकीकत किस मामले में सही थी।